आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट। हेलो दोस्तों, राम राम जी, कैसे हो भाई लोग। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं लखनऊ के चारबाग रेड लाइट एरिया में, मगर क्यों। तो अभी फिलहाल हम हैं चारबाग में और यहाँ पर आप देख सकते हो ये शायद लखनऊ का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। तो चलिए, चारबाग जो है हमारे ठीक पीछे मेट्रो स्टेशन है, जैसा कि आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जो है मेट्रो स्टेशन है चारबाग का, जैसा कि आपको दिखा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि लखनऊ को जो चारबाग रेड लाइट एरिया है, इसको बोला जाता है कि यह एरिया जो है वो रेड लाइट एरिया है। तो चलिए यहाँ का हम आपको रेड लाइट एरिया दिखाते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज आपको बता दें कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग नए हो तो। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं यहाँ का रेड लाइट एरिया है या नहीं, यहाँ की पूरी सच्चाई बताएंगे आपको, या लोगों ने झूठी ही खबर फैला रखी है, लखनऊ को बदनाम कर रखा है कि यह रेड लाइट एरिया है। ताकि आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आने का मतलब ही कुछ ऐसा था क्योंकि हमें बैठना था मेट्रो में, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जा रहे हैं बैंड वाले, कहीं बजाने जा रहे होंगे। और साथ ही में यहाँ पर आपको मेट्रो स्टेशन भी आपको देखेगा, चारबाग का मेट्रो स्टेशन है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यह लखनऊ का रेड लाइट एरिया है या नहीं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप जान सकते हो समझ सकते हो कि जैसा कि लोगों ने बदनाम कर रखा है इसे, इस शहर को लखनऊ रेड लाइट एरिया के नाम से। यहाँ तो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है और जाम भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, देख सकते हो आप लोग, आप लोगों को लाइव दिखाते हैं यहाँ का लाइव वीडियो। तो दोस्तों और आगे चल के देखते हैं क्या वाकई में यह रेड लाइट एरिया है। यहाँ पर भीड़ ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर बाद में मत कहना कि आपने गलत दिखाया या फिर कुछ सही से नहीं दिखाया, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं यहाँ के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है ये भोजनालय की थाली है और यहाँ पर खाना आप खा सकते हो। तो चलिए दोस्तों जैसा कि आपको दिखा देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पर अब हम चाहेंगे लुलू मॉल, देखते हैं लुलू मॉल का किराया कितना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ का आपको चारबाग का ब्लॉग जो है कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।